तो दोस्तों क्या हाल चाल है भाई। देखो बिग सेविंग डे सेल आने वाली है और इस पे आपको एंड्रॉइड फोन्स पे काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और कुछ ऐसे एंड्रॉइड फोन्स है जो कि गेमिंग फोन है जो कि अभी लॉन्च हुए हैं, कुछ ऐसे फोन है जो कि फ्लैगशिप है, सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप में से काफी ज्यादा लोग सेल्स का वेट करते हो क्योंकि यहाँ पे सेल्स में हमको काफी अच्छे प्राइस रेंज में, मतलब काफी बजट में आपको फोन्स, स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन निकल जाएंगे। और हम कुछ ऐसे एंड्रॉइड फोन्स पर बात करेंगे जो कि भाई काफी वैल्यू प्रोवाइड करवाने वाले हैं इस सेल में। आपको लेना है डेफिनेटली ले सकते हो। ना करते हुए चलते हैं अपनी सेल्स वाली वीडियो पर। पहले मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ सैमसंग से क्योंकि यहाँ पे काफी डिस्काउंट है। सबसे पहले बात करता हूँ सैमसंग एस सीरीज से, S22, S23 और S21 FE, S23 FE सारे फोन की बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करता हूँ सैमसंग S21 FE की। सैमसंग का जो प्राइस जाने वाला है वो जाएगा 29 से 30K के बीच में। सैमसंग S21 FE का प्राइस यहाँ पे होने वाला है जो कि काफी अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन सैमसंग S21 FE का आप कैमरा जानते हो कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। अगर वही बात करें सैमसंग S23 FE का, वहां पर भी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। हो सकता है इस सेल में 35K तक डाउन हो सकता है 128GB वाले वेरिएंट का। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप S23 FE पर जा सकते हो जो कि आपको काफी सही मिलता है। हाँ, S23 FE में थोड़ा बेजल्स बड़े मिलते हैं, वो अलग टॉपिक है, लेकिन फोन भाई नेक्स्ट लेवल का है S23 FE भी। दूसरे फोन की बात करूं जो कि बजट में आ जाते हैं, जो कि काफी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं, वो है सैमसंग का F34। उसका प्राइस जो है 30K से 12K के, मतलब 12 से 13,000 के बीच में आपको मिलेगा। लेकिन परफॉर्मेंस टॉप नॉच होगी, कोई लैग वगैरह नहीं है क्योंकि इस प्राइस रेंज पे ऐसे फोन मिलना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे सैमसंग है तो यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड कराई जाएगी। अब हम बात करते हैं पिक्सल से, जो कि आप जानते हो पिक्सल के जो फोन होते हैं काफी हद तक कैमरे को, अच्छे अच्छे फोन को टक्कर देते हैं, लेकिन इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स भी है, सारी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पिक्सल फोन के, वो है Pixel 7a, गूगल का Pixel 7 है। उसका जो प्राइस है भाई काफी ज्यादा यहाँ पे बजट में आ चुका है, जो कि सेल में आपको मिलेगा वो प्राइस है 31K। और गूगल Pixel 7a, हाँ आप गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते हो इस फोन पे, लेकिन अगर आपको एक कैमरा डिवाइस चाहिए जो कि रियल में कैमरा वाला फोन हो, डेफिनेटली 7a पर जा सकते हो। अगर वही बात करूं पिक्सल 8 की, उसका प्राइस थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हाई है, लेकिन 50K में आपको ये मिलेगा। और गूगल पिक्सल 8 काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल के कैमरे के साथ अभी तक का गूगल पिक्सल का फोन है जो कि काफी अच्छे कैमरे के साथ आता है। अगर गूगल पिक्सल के फोन में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इन फोन पे जा सकते हो। लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड गूगल पिक्सल 8 को नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा बजट ज्यादा हो रहा है 50K, लेकिन 7A को मैं रिकमेंड कर सकता हूं अगर आपको कैमरा वाला फोन चाहिए तब। अब हम बात करते हैं Realme 12 Pro Plus, जो कि अपना अगला फोन है भाई। इसका कैमरा काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है, वो भी प्राइस रेंज काफी कम है, 24K में आपको जो मिलेगा, मतलब 24,000 में Realme 12 Pro Plus। और इसमें आप जानते हो टेलीफोटो लेंस मिलता है 3x का और आप डिजिटल जूम कर सकते हो वो 6x तक, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आप देख सकते हो। वो वीडियो मैंने कैमरा टेस्ट का बनाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर आपको एक बजट में कैमरा स्मार्टफोन चाहिए और गेमिंग वगैरह अगर भी करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं Realme 12 Pro Plus को रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये फुल वैल्यू फॉर मनी है और ये काफी अच्छे प्राइस रेंज में आएगा। और अगर आपके पास एक्सचेंज वगैरह का ऑफर का है तो फिर वहां पे आपको ये और भी कम प्राइस में देखने को मिल सकता है Realme 12 Pro Plus। वहीं बात करते हैं Realme 12 Pro की, तो वो आपको 22K में देखने को मिल सकता है इस सेल में, जो कि काफी सही है। और अगर आप कार्ड वगैरह लगाओगे तो यहाँ पे 21 से 21K के बीच में भी ये जा सकता है। तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इन फोन पे जा सकते हो, चाहे वो Realme 12 Pro हो या 12 Pro Plus, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 12 Pro Plus पे जाओ, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है और कैमरा भी काफी हद तक काफी अच्छा है। अब बात करते हैं Moto Edge 50 Pro की। भाई कैमरा तो काफी अच्छा है, गेमिंग वगैरह भी इस पे आप कर सकते हो और इसका जो प्राइस इस सेल में जाएगा वो है 25 से 26K के बीच में। और इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि ये फोन काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि ये वाटरप्रूफ है, ये भी इसमें एक एडवांटेज है, सबसे बेस्ट चीज। बाकी कैमरा और डिजाइन सब कुछ, बैटरी वगैरह काफी लाजवाब है। फोन थोड़ा सा हीट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैं बता दूं ओवरऑल Moto Edge 50 Pro वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा, तो ये आपको 26K में इजीली मिल सकता है।
और यहाँ पे अगर आपको मोटो में ही थोड़ा बजट में जाना है तो यहाँ पे आप G84 पे जा सकते हो। मोटो G84 5G डिवाइस है और इसका जो प्राइस होगा वो 15 से 16 हजार के बीच में, और मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में ये अच्छा फोन है और बजट रेंज में है तो सही है। बाकी ओवरऑल मोटो के फोन तो काफी अच्छे हैं ही अब के टाइम में। और यहाँ पे नथिंग की बात करें, 2A की बात करें, नथिंग 2A पर भी काफी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है और नथिंग 2 पर भी काफी डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जितने भी फोन्स हैं वो हर जगह इस बिग सेविंग डे सेल में डिस्काउंट मिलने वाले हैं। तो आपको कौन सा फोन लेना है, सैमसंग या यहाँ पे गूगल पिक्सल, रियलमी या फिर नथिंग, कुछ भी लेना है जो लेना है मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। देखो यहाँ पे मैं एक आईफोन को भी ऐड करूंगा, iPhone 12। अगर आपको एप्पल के फोन को एक्सपीरियंस करना है वो भी बजट में, आईफोन 12 पर जा सकते हो जो कि आपको 38 से 37 से 38K के बीच में मिल जाएगा। मैं बोलूंगा अगर आपको आईफोन टेस्ट करना है ना तो आप यहाँ पे आईफोन 12 पर जा सकते हो, और प्राइस रेंज भी एंड्रॉइड फोन के बराबर ही है और बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो आप ले सकते हो क्योंकि आईफोन 12 काफी अच्छा फोन है, कैमरा भी काफी सही है। ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा लेना है आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। S21 FE को अगर आप परचेज करने का सोच रहे हो तो ये मैं बोलूंगा कैमरे के लेवल में नेक्स्ट लेवल का आज भी है। उसमें जितने भी अपडेट मैंने किए हैं कभी भी मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, ओवरऑल नेक्स्ट लेवल का फोन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आपके जितने कमेंट है मुझे करना मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस सेल में आप कौन सा फोन लेने वाले हो वही बताना। अभी 10K सब्सक्राइबर करना है तो भूलना नहीं सब्सक्राइब करना, क्योंकि मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ।